हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के पांच अपडेट्स के बारे में, जो कि गाइस इनमें से कुछ अपडेट्स आपको अभी मिल चुका है और कुछ अपडेट्स गाइस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो कि गाइस पांच अपकमिंग अपडेट्स हैं, पाँचों अपकमिंग नहीं है, बहुत सारे आपको मिल चुका है और कुछ कुछ आपको आगे जाके मिल जाएंगे। तो उस सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अपडेट है जो कि अभी बीटा वर्जन में तो इंक्लूड हो चुके हैं और आपके स्टेबल वर्जन में भी वो इंक्लूड आगे जाके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पहले बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों जो फॉरवर्ड मैसेज है उस फीचर्स के ऊपर व्हाट्सएप ने लिया बहुत ही बड़ा डिसीजन। अब यहाँ पर कौन कौन से डिसीजन उन लोगों ने लिया है गाइज, पहले क्या होता था, आप किसी भी मैसेज को बहुत सारे यूजर्स को फॉरवर्ड कर सकते थे। फिर गाइज अपडेट के बाद अब पाँच मैक्सिमम पाँच लोगों को फॉरवर्ड कर सकते थे, ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, एक से डेढ़ साल पहले। और फिर गाइज अभी जब सब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, यहाँ पर फेक न्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं, इसीलिए गाइस फेक न्यूज़ ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहे हैं, इसीलिए गाइस व्हाट्सएप ने लिया बड़ा डिसीजन। और अभी गाइस अभी आप लोग जब किसी मैसेज को फॉरवर्ड करोगे तो वो आप अभी एक से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो पांच लोगों था गाइज वो कम होकर अभी एक हो गया है। अभी एक लोग मतलब पर्सन से ज़्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। किसी में से आपको पसंद आया आप सिर्फ किसी एक को ही फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा अपडेट गाइज व्हाट्सएप की तरफ से आ गया। ये जो अपडेट है गाइज बहुत सारे यूजर्स को मिल चुका है और बहुत सारे यूजर्स को एक दो दिन के अंदर मिल ही जाएंगे। दूसरा अपडेट की बात करें गाइज, तो दूसरा अपडेट जो कि है व्हाट्सएप के फॉरवर्ड के ऊपर ही है, क्योंकि गाइज जो कि फॉरवर्ड मैसेज होता था वो नॉर्मली ऊपर लिखा रहता था कि फॉरवर्ड। अभी गाइज फॉरवर्ड मैसेज के पास में आपको एक सर्च बटन देखने को मिलेगा, सर्च आइकॉन देखने को मिलेगा। वहाँ पर अगर आप टच करते हो तो जो मैसेज है जो आपको फॉरवर्ड में मिला है उस मैसेज को गूगल के साथ वो लोग सर्च कर लेंगे, वो व्हाट्सएप खुद ब खुद ही सर्च कर लेंगे और आपको बता देंगे कि जो मैसेज है गाइज ये रियल है, ऑफिशियल है या फिर फेक है। अगर आप उसका कोई भी मतलब सोर्स वगैरह अगर आपको इंटरनेट में नहीं मिले तब वो फेक है, और साथ ही साथ गाइज अगर सोर्स मिल गया तब तो सही है, ऐसा आपको मिल जाएगा। और बहुत ही आसानी से आप फॉरवर्ड किए गए मैसेज को उसी आइकॉन पे क्लिक करके नॉर्मली टच करके उसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। तो दूसरा अपडेट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पहला एंड दूसरा अपडेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तीसरे अपडेट की बात करें गाइज, तो यहाँ पर गाइज तीसरे अपडेट जो कि ग्रुप के ऊपर है कि ग्रुप में आप किसी को भी पहले ऐड कर सकते थे और फिर गाइज ग्रुप की सेटिंग के ऊपर अपडेट आ गया कि आप उसको नोबडी कॉन्टैक्ट से कर सकते थे। और गाइज ग्रुप में किसी को इनवाइट करने के लिए लिंक होता था, अभी गाइज वहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया गया। अगर किसी को आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हो अपने ग्रुप का क्यूआर कोड बना उस दोस्त को भेज दो, वो दोस्त नॉर्मली स्कैन करके आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। चौथे अपडेट की बात करें गाइज, तो यहाँ पर एक ग्रुप के डिलीट मैसेज के ऊपर क्या होता था, किसी भी मैसेज आप ग्रुप में सेंड कर दिए और फिर गाइज ग्रुप में या किसी को भी सेंड करते हो तो वहाँ पर पहले आप डिलीट नहीं कर सकते थे, अभी गाइज वहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन आप कर सकते हैं। लेकिन गाइज उसके ऊपर कर दिया बड़ा अपडेट, अभी गाइज आप किसी भी मैसेज को टाइमिंग कर सकते हो कि जो मैसेज मैंने भेजा इसका डिस्ट्रॉय होने का टाइम है 15 मिनट, तो 15 मिनट के बाद मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। अगर वहां पर आप सिलेक्ट करते हो 10 दिन तो 10 दिन के बाद डिलीट हो जाएंगे, 15 दिन तो 15 दिन के बाद, एक साल आप कर सकते हो, 5 सेकेंड से लेके 1 साल तक में आप कोई भी एक चीज़ें कर सकते हो सिलेक्ट। वहाँ पर उन्होंने बताया कि 1 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 सेकेंड, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, ऐसे उन्होंने टाइम दे के रखा है। आप किसी भी को सिलेक्ट कर दो उस टाइम के बाद वो जो मैसेज आएगा तो खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। पांचवा अपडेट की बात करें गाइस, तो सेम टू सेम व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट के जैसा ही है। यहाँ पर आप पर्सनली किसी को मैसेज भेजते हो तो वहाँ पर भी गाइस आप अभी उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो कि जो आप किसी को हाई हेलो भेज रहे हो पर्सनली तो कितने टाइम बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे, ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिलीट फॉर एवरीवन को करना भी नहीं पड़ेगा, आप मैसेज कर दो वहाँ पर टाइमिंग सेट कर दो कितने टाइम बाद वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे, तो उतने टाइम के बाद गाइस वो मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। ये है पाँच अपडेट जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, पाँचों में से पाँचों अपडेट। सिर्फ मुझे क्यूआर कोड उतना जमा नहीं, बाकी पांचों में से चार अपडेट मुझे कमाल के लगा। आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको अपडेट कैसा लगा, आप कौन से अपडेट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहां पर बात करें तो 2 अपडेट तो अभी आपको मिल ही चुका है, 3 अपडेट आना बाकी है, तो आगे आपको मिल ही जाएंगे। वीडियो अच्छा रहा है वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल को दबाओ। मैं वीडियो के साथ में प्लीज आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल।